बहुत शुक्रिया अली आपका. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर. मेरे साथ है क्रिकेटर सिकंदर. सिकंदर, बट वेल इट ऑल वेंट डाउन इन यूनिटन. व्हाट अ बैड मॉर्निंग फॉर अस पाकिस्तानी फैंस. सिकंदर, जब आज मैं मैच देखना शुरू किया तो मुझे लग रहा था ठीक है, एक आउट हो गया, दो आउट हो गया, नो प्रॉब्लम, इज गेटिंग रेडी. बाय द टाइम केम आउट वाज 6 for 16. सो डिसअपॉइंटिंग. आप तो, मैं तो तैयारी कर रहा था कि निकलने की, मगर ये सारी मैं जो ब्लेम है ना, मैं समझता हूँ कि मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को दूंगा. उन्होंने कल ही मुझे कह दिया कि सुबह 9 बजे आना है. मैंने कहा भाई वो तो मैच देर में खत्म होगा. नहीं नहीं, कुछ पता नहीं, आप सुबह 9 बजे आ जाए. और मैं अभी उठ ही रहा था कि वो 6 आउट हो चुके थे. ओके, बिसाइड्स द पॉइंट, बिटवीन हमारा वीकेंड तो वैसे ही थोड़ा मूड ऑफ हो गया. आपको ये भी बता दें कि न्यूजीलैंड जो है ये 5 1-day मैचेस की जो सीरीज है ये जीत चुका है. सो आगे के दो ऑब्वियसली डेड रबर मैचेस होंगे. एंड केस आपने अभी ज्वाइन किया और आपने मैच नहीं देखा तो आपको हम लोग जल्दी से ये बता दें कि आज पाकिस्तान टीम जो है वो बोल्ड आउट हो गई है फॉर 74 रन. और न्यूजीलैंड आज का मैच 183 रन से जीत गया है. 257 रन का टारगेट था. ऑफकोर्स पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत यू नो जाया हो गई. सिकंदर, आज हमारी जो अप्रोच थी ना उसमें खामियां थी. फातिमा, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैच शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड के बहुत अच्छी मतलब एक बैटिंग चल रही थी. उनके 3 खिलाड़ी आउट थे 209 पे, सिर्फ 3. जब गेंद थोड़ा पुराना हुआ 203 के बाद, एकदम से 7 खिलाड़ी हमारे लड़कों ने 48 रन पे आउट किए. फिर जब हमारी बारी आई हम 16 for 6 हो गए. यानी कि वो पीरियड जो था 24 ओवरों का, उसके अंदर 12 विकेटें गिर गई, 12 से 13 विकेटें गिर गई. समझ में नहीं आया कि पिच को हुआ क्या. डनीडन में हमेशा हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, तो आप देख भी रहे होंगे लोगों की. तो ये जो पीरियड था जो उसमें ये 24 से 25 ओवर हुए हैं उसमें उनके भी 7 खिलाड़ी आउट हुए, 48 रन पे. हमारे 16 for 6 हो गए थे. तो वो एक पीरियड था जिसमें गेंद ने थोड़ी हरकत की और हमारे लड़के वैसे ही आउट हुए जैसे कि हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं. तो बचपन से कहते हैं आज वो बचपन में क्या कहना चाह रही है. बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ, उसी तरह आउट हो रहे थे. ठीक है, चले आपको आज के मैच की जो पूरी स्टोरी एक दफा दिखा दे, रिकैप करते हैं. लेट्स सी व्हाट वेंट डाउन टुडे. डनीडन में कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी. पहले विकेट 15 के स्कोर पर गिरी जब फहीम अशरफ ने मॉनरो को चलता किया. मार्टिन डॉक्टल 45 रन बनाकर रन आउट हुए. कप्तान केन विलियमसन ने 73 और रॉस टेलर ने 52 रन की इनिंग्स खेली. टॉम लैथम 35 रन बनाकर आउट हुए. न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर्स में 257 रन बनाकर आउट हो गई. रोमान रईस और हसन अली ने 3-3 खिलाड़ियों का आउट किया. शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की. जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान का आगाज तबाहकुन अंदाज में हुआ. पहली विकेट 2 पर, दूसरी 2 पर, तीसरी भी 2 पर, 13 for 4, 15 for 5, 16 for 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए. रोमान रईस और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट में अपने ही कम से कम स्कोर से बचा लिया. आमिर 14 और रोमान 16 रन बनाकर नुमाया रहे. कप्तान सरफराज 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे और सबको पवेलियन जाते देखते रहे. पाकिस्तान टीम सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई. ट्रेंट बोल्ट ने 5 खिलाड़ियों का आउट किया. न्यूजीलैंड ने ग्रीन शर्ट्स को मैच में 183 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली. अगली पॉइंट, हमारी जो अप्रोच थी ना उसमें ही गलतियां थी. हम लोग देख रहे थे हर कोई बैट्समैन डिफेंडिंग डिफेंसिव हो रहा था. दे वर लुकिंग टू सर्वाइव, नो वन वाज गोइंग आउट देयर टू विन. मतलब इस तरह हारने पे यू नो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. फातिमा, आपके जो जुमला है ना कि वो सर्वाइव के लिए जा रहे थे, आई विश के वो चले जाते. हां तो शायद सर्वाइव कर लेते. सर्वाइव कर लेते जैसे कि चले मलिक साहब आउट हो गए. हफीज तो वैसे ही आउट होते हैं जैसे मैं कह रहा हूं कि बचपन से मैं देख रहा हूं. पहले वो सादिक मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद जिलुक स्लिप मारते थे, आज भी वही मार रहे हैं. हम उसी तरह की पूरी पाकिस्तान की जो नेचर है वो स्लिप पे मारने वाली है जो हमें नजर आई. तो उधर से लेकर अब तक वो एक ही स्टाइल में वो आउट हो रहे थे. तो उसके बाद शादाब आ गया था. शादाब 50 कर चुका था पिछली इनिंग में. वो आराम से खेलता रहता, फंसता अभी तो मतलब 30-35 ओवर पड़े थे. आप आराम आराम से खेलते तो इतनी एम्बैरेसमेंट तो नहीं होती. कम से कम 140-150-160 पे चले जाते. इसलिए सरफराज के चेहरे से लग रहा था कि वो तो बिल्कुल हथियार फेंक चुके थे. उनका चेहरा बिल्कुल लग रहा था बहुत डाउन है. आलिया को भी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आलिया. आई थिंक वो ऐसे खो रहा है, रीकैप हो रहा है. फॉर हम लोग 2 दिन वाले पहले जो बातें कर रहे थे आज भी वही बातें करे. बट इस तरह हारना समझ से बाहर था. इतने अब सीनियर बैट्समैन है, कोई मतलब खेलने के लिए आज आए ही नहीं. क्या हो रहा था आज? बहुत सारी चीजें हैं फातिमा. हम तो अब बोल बोल के भी थक गए हैं कि जो जिन मसाइल की तरफ हम निशानदेही करते हैं उस पर फिर लोग इतराज करते हैं. क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हम लोग बिला वजह तंकीद करते हैं. हालांकि हमारा काम है हाईलाइट करना कि ये आपके कमजोर एरियाज हैं, इनके ऊपर काम कीजिए. अब इशू ये है कि फातिमा के अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में ODI में शोएब मलिक की एवरेज 9 है, बाबर अजहर अली की 11 है,
तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग अब यही देखते हैं ना कि आप 25 साल पहले जिस स्कोर पे आउट हुए आज जिस स्कोर पे आउट हो गए, यानी हमने बिल्कुल ही तरक्की नहीं की कि हम कहीं समझते ही नहीं कि हमें कंडीशंस को देख के खेलना है या सिचुएशन को। आप न्यूजीलैंड की इनिंग देखिए, उन लोगों ने वो भी फंसे हैं और आप देखें कि उन्होंने किस तरह से ग्राइंड किया उनके बैट्समैनों ने और कैसे पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने सर्वाइव किया, पहले स्टे किया और फिर जब उसके बाद देखा कि अब हम हैंडल कर सकते हैं, बड़े खेल सकते हैं, तो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई। अब बुनियादी जिम्मेदारी जो है बैट्समैन की यही है कि वो विकेट जो है उसको कंजर्व करे और जहां तक मुमकिन हो वो स्कोर करे। मतलब आप इस दौर में और आप इस माइंड सेट के साथ जा रहे हैं उनके जो पैर हैं वो लेग स्टंप पे चले गए थे। बिल्कुल, देखिए चिकू आप भी जानते हैं कि हमारे जो इश्यूज है ना वो तो हम चूंकि जीत जाते हैं यूएई में या अपनी फेवरेबल कंडीशन में, तो उसके बाद फिर हम उसको उसको खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होम ग्राउंड का अपना एडवांटेज है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप बड़ी टीम बनते हैं या बड़ा ब्रांड बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है, दूसरी तरफ ये वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान उनमें बेहतर टीमों में है, हम चैंपियंस हैं और हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा रिकॉर्ड जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मसाइल ये है कि आप एक जो जिन बातों पे हम कहते हैं कि आपके सिलेक्शन इन चीजों पे होने चाहिए, खामियां इसलिए नजर आती है कि कोई डेवलपमेंट कोच होता है मगर हमारे सिस्टम ने अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, एंड आलिया, यू नो एज अ सरफराज फैन मुझे तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई थॉट यू नो वन डे आएगा यू नो सरफराज विल सेव द गेम, विल सेव द शो, मगर सरफराज की बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे एक्चुअली बहुत दुख हुआ। इस पर हम लोग बात करेंगे, तो मैच हारने के बाद कैप्टन सरफराज अहमद क्या गुफ्तगू, आप पहले उसको सुन लेते। Of course, Sarfaraz, you must realize. सबसे मजे की बात उसने बोली कि जो नया गेंद हमारा प्रॉब्लम है, तो हम मेरे ख्याल से लोगों से कहते हैं नया गेंद कौन कराया करें, बट नए गेम कौन खेल रहा है, क्या मसला यार, ये कोई मतलब है कि नया गेम प्रॉब्लम कैसे हो सकता है यार, वो ओपनर्स हैं आपके। हाँ। मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो हमारे ओपनर्स अगर नया बॉल नहीं खेल सकेंगे तो फिर कौन खेलेगा। बिल्कुल, यानी कि 250 रन करने 250 मैच खेलने वाला भी नया बॉल नहीं खेल सकता, 200 मैच खेलने वाला भी नया बॉल नहीं खेल सकता, तो भाई इनकी फिर जरूरत नहीं है, नए बच्चे लेके आते हैं, मगर नए बच्चों को लाके खराब ना करें, जिस तरह इन सारे बच्चों को जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसों की लत डाल दी है, जाओ पैसे कमाओ, उन्होंने क्रिकेट पे तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। तो आलिया, अब नाउ अगेन डेड रबर, दो मैचेस हैं, लास्ट वर्ड आपसे ले लेते हैं, यू नो मैं सिकंदर ये बात करें तो क्या दो डेड रबर मैचेस में क्या करें, बट सिक्को की ये एडवाइस है कि नो इसी टीम को खिलाएं, तो क्विक वर्ड क्योंकि फिर हम लोग क्लोज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसी टीम को खिलाएं, यही टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जो चंद बहुत ही बेसिक बातें हैं, मतलब अब जैसे सरफराज ने ये बात की, ऑब्वियसली अब क्या बंदा इस पे कहे कि नई गेंद के ऊपर आप कप्तान होकर ये बात कर रहे हैं, और फातिमा जो कमेंट आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सरफराज के हवाले से, वो खौफजदा है एक कप्तान की हैसियत से कि उनकी कप्तानी ना चली जाए, उसकी वजह से वो बोल्ड डिसीजन नहीं करते, और क्रिकेट बोर्ड को उनको फुली बैक करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जिसको तुम निकालना चाहते हो निकालो, जिसको तुम रखना चाहते हो रखो, लेकिन आपका सिस्टम ये है कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस अगर अभी ODI टीम पे आपका अगर कोई बॉलर अच्छा खेलता है तो आप उसको टीम में नहीं रखते, आपके वही लोग हेर फेर के ताल्लुकात की बुनियाद पे आ जाते हैं। अगर अजहर अली 3 मैचेस में नहीं परफॉर्म कर रहा तो मैच चेक नहीं करती कि अगले 2 मैचेस में अजहर अली को खेलना चाहिए, आप ठीक है जवान को खिला दो ताकि फाइनल पता लग जाए कि भाई आप गए थे 5 मैच खेले, अब आप बेहतर है कि रेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है, देखिए हमने 444 रन जो खाए हुए हैं हमारी टीम ने, हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, थोड़ा सा तो हमें पता होना चाहिए ना कि बैलेंस कहाँ करना है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल आप साइकोलॉजिकली बिल्कुल गिवअप कर चुके हैं कि आप न्यूजीलैंड गए तो आपको खेलना ही नहीं आता, आपका पांव ही नहीं हिलते आपके, आपको समझ ही नहीं आती, आप स्टक हो जाते हैं बिल्कुल दैनिक तौर पर भी और जिसमानी तौर पर भी, तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि ये सीरीज जो है, पहले भी मैंने बात की थी कि हमने गलती की है कि हम पहले नहीं गए, हम इतना गरीब नहीं है कि हम 20 दिन पहले 15 दिन पहले नहीं जा सकते ताकि हमारे लड़के वहाँ पे एडजस्ट हो। अनफॉर्चुनेटली आज हम अंडर 19 का भी मैच अफगानिस्तान से हार गए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच।